आज जो है हम निकल रहे हैं करतारपुर साहब के लिए, पाकिस्तान जा रहे हैं भाई हम, पाकिस्तान लिटरली अमृतसर से थ्रू होकर करतारपुर साहब का जो गुरुद्वारा है वहां पर जा रहे हैं। वहां पर जाएंगे, माथा टेकेंगे, बीच का रास्ता एंजॉय करेंगे। वहां पर पहुंच के कुछ स्पेशल जो है, पापा की फैमिली है, एक सिंगल फैमिली जो उस तरह पर रहती है पाकिस्तान की तरफ पे, वो भी हमारे से मिलेंगे, उनसे भी हम मिलेंगे। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड विल मीट यू ऑन द वे। टाइम यहाँ पर अभी हो रहा है 6:36 इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू गो। पापा भी बैठ चुके गाड़ी में, गाड़ी निकलने वाली है। एंड हाय पापा, हेलो, चले फिर हम निकलने के लिए रेडी। रेडी टू गो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, टाइम लेट हो गए। चलो 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 चलो। तो गाइस अभी ये कुछ फ्रूट वगैरह हमने अपने खाने के लिए ले लिए एंड उसमें से पाकिस्तान जा रहे, गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो ये प्याज भी लिए हमने एंड पहुंच रहे हैं। कितना 20 किलोमीटर रह गया यहाँ से करतारपुर साहब। करतारपुर साहब बोलेंगे, पाकिस्तान बोल लो भाई, जाम पाकिस्तानी रहे बेसिकली। ये है इस करतारपुर साहब का बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कॉरिडोर का। एंड यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमारे वो चेक होंगे। तू है तो मेरा संसार सारा, तो मेरा जग सार सारा तेरे ही लिए। करतारपुर साहब बॉर्डर। चलो अभी अंदर अपनी गाड़ी की चेकिंग की बारी आ गई है। सभी की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर चेक हो रही है एंड मतलब प्रॉपरली चेक कर रहे हैं भाई गाड़ियों को। ये कॉरिडोर की स्टार्टिंग है, बॉर्डर दूसरी तरफ पे रहेगा। बिकॉज ये देखो अभी सेंटर में इंडिया का फ्लैग भी है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमको है सबसे प्यारा। दिस इज फाइनली वी एंटरिंग। हमारी चेकिंग जो है वो चल रही है अभी यहाँ पे। एक एक दरवाजा उन्होंने प्रॉपर चेक किया, अंदर से किया। ये चेकिंग सीरियसली है। अभी हमारे आगे आ गई एक गाड़ी थी भाई, उनके पास में ETA वाला पेपर नहीं था उनका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करिए बट उन्होंने प्रिंट आउट नहीं निकाला। सो वो गाड़ी को ही वापस भेज दिया कि भाई इन प्रिंट आउट निकाल के लाओ, हार्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। हार्ड ही कहते हैं ना इसको, प्रिंट आउट या नजदीक मिलना नहीं। हाँ, यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखो विजिटर और पिलग्रिम। हमारे को जाना पिलग्रिम से साइड, राइट और लेफ्ट, पापा राइट। भाई दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे दर्शन करने के लिए संतों ने बहुत साल तक वेट किया। कोई टाइम तो ऐसा भी था जब यहाँ पे दर्शन करने के लिए दूरबीन लगी होती थी, गुरुद्वारा दर्शन कर दर्शन करने के लिए, तो लोग दूरबीन से ही दर्शन करते थे। मतलब वहाँ पे उस तरफ जाने की परमिशन नहीं मिलती थी, और अगर उस तरफ जाना भी होता था तो पूरा जैसे पाकिस्तान का वीज़ा लेके जाना होता था वही सिस्टम था। बट हर बंदा वीज़ा लेके नहीं जा सकता या नहीं जा पाता, तो थोड़ा सा इशू हो जाता उस वजह से। अब तो ईजी हो गया, पापा का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर मेरे व्लॉग के लिए। हाँ जी, किसी से नहीं जा, जुजुम गाने तो रास्ते माता जी तक पैदल हैं। यहाँ अंदर बिल्डिंग तक जाना था दी। पापा के व्लॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने व्लॉग के लिए। कोई बात नहीं बेटा, वो भी आप ही का ही है। पापा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है माँ। जो उधर से प्याज ले जाएगा उसका कुली मेरे को बनाया गया, इतना सुंदर मैं सज के आया हूँ, मेरे को कुली बना दिया इन्होंने। और इस प्याज उठाने वाला जरा सा व्लॉग करना पड़ता है, उसके लिए प्याज पहले सारे रखने पड़ते हैं। ये है इस टर्मिनल जो कॉरिडोर का, क्लोजअप कर दिया, तेरे को दिखाया था है नहीं, अब दिखा, पहले नहीं, यहाँ से भी दिख रहा था मम्मा, वाइड एंगल कैमरा है ये, मैं वो क्लोजिंग करके दिखा रहा था। ओके, प्याज आप उठा लो फिर, ये पकड़ो, रिकॉर्ड करो, अब आपकी पनिशमेंट है। मैं तो तंग करने के लिए आई हूँ सबको। हाँ बस, सिर्फ पकड़ो, आपकी पनिशमेंट है।
क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आपको जी हूँ उन्हें थे गाइस पोलियो ड्रॉप्स जो है वो लाई जा रही है वैक्सीनेशन कराई जा रही है बिकॉज पाकिस्तान में अभी भी जो पोलियो है वो है अभी तो उसके ऐसे ताकि वो इधर को ना फैले तो पोलियो की ड्रॉप्स है जस्ट फॉर अ सेफ्टी यहाँ पर पिला देते हैं तो एक एक करके यहाँ पर अब जा रहे हैं आगे सभी को पोलियो की ड्रॉप्स मिल रही तो गाइस सारे कस्टम वगैरह क्लियर करके अब हम निकल रहे हैं बाहर एंड सेकेंड साइड पर आ गए सो गाइस ये रहा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड यही से हम आगे क्रॉस करेंगे ये रहा बॉर्डर इतनी सी लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को जो है फिर से पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया लाइन पे था वो और मैं एग्जैक्टली हूँ नो मैन्स लैंड पे ये रही गाइस अपनी गाड़ी इधर वाली दूसरी तरफ से जब आए थे तब दिखाई नहीं तो ये अब हमारे को लेके जाएगी पाकिस्तान इमिग्रेशन पे जहाँ से हम पाकिस्तान एंटर किए थे मेरे को कोई रोक सकता है सेंटर में मेरे को आपने बुलाया इस दुनिया पे गलती हो गई सॉरी ये पाकिस्तान का फ्लैग एंड इस तरफ पे ये देखो ये मेरा व्यू एक शिवम एक ही है मेरा व्यू खराब करने के लिए हमेशा बैठे रहते हैं अरे इधर कैसे बढ़िया जी तुसी असो खैरियत है दोनों दे लिखियो हाँ जी मेरा भी है जी सो गाइस वी हैव फाइनली एंटर्ड पाकिस्तान जैसे आपको मैंने दिखाया एंड ये है जब यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर की जो इनॉग्रेशन हुई थी तब यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो है इसकी इनॉग्रेशन यहाँ पे करी थी and this in front of you is the inauguration area yahan par inauguration nahi sorry immigration area immigration hai nahi ye immigration area aur ye raha pakistan ka jhanda and as you can see ab yahan se aage chalenge Kartarpur sahab ki taraf pe nikalte hain baki sab andar ja chuke hain main aur papa bas yahan par hain इमिग्रेशन से निकल के आए गए जिस हज़ार पासपोर्ट एंड आई कार्ड भी हमारे को दिया गया है यात्री का एंड ये बस है हाँ जी चलो भाई सारे रेडी है रेडी टू मूव हेलो की हाल ने जी ते डार्लिंग की हाल ने मेरे को ये बताओगे मैं ओवरऑल कैसा लग रहा हूँ ये स्कार्फ मैंने आज बहुत मिली करके डाला है सारा ओवरऑल देखोगे आप ये क्रीम शर्ट शर्ट क्रीम स्कार्फ है पजामा कुर्ता पजामा क्रीम है शूज क्रीम है सब कुछ क्रीम 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 है भाई करण एक एक बात रहेगी एक बात रहेगी न्यू पिंच यार मेरे को कर ली थी कैमरे पे नहीं करी थी ना ओ लाओ जी ये हाँ जी शताब्दी जी कॉल आयो थैंक यू मैं भी लूंगा कॉरिडोर विच वी आर गोइंग ऑन करतारपुर साहब का कॉरिडोर है चलो भाई अपनी ड्यूटी है प्याज चूल लेके आए इसको दोबारा उठाना भी पड़ेगा हमारे को ही उठाना पड़ेगा प्याज भी हमारे को दोबारा उठाने ही पड़ेंगे उठाना तो पड़ेगा वही तो चलो भाई पहुंच गए गुरुद्वारा साहब फाइनली एंटर करने वाले दिस इज ऑल द लॉन्ग एंट्री मैन कितनी बड़ी जगह है ये कितना बड़ा गुरुद्वारा है आने सफर दिया और कुछ सारे जी
मेरा नाम जी अहमद दाऊद है। सब तो पहला तो सारे पाकिस्तान आने की और दरबार साहब करतारपुर आने की खुशामदीद और जी आने का। चलो भाई अपने जूते जमा करा दिए एंड नाउ वी आर रेडी टू गो इनसाइड। ये यहाँ पर सरोवर ऐसे बनाया हुआ है। जैसे इंडियन साइड पे हमने देखा था कि यहाँ पर है, देखो सारा ये पाकिस्तान टर्मिनल जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये रावी और ये है आगे आगे गुरुद्वारा। यहाँ पर इन्होंने भी अपना मॉडल बना के रखा है और ये आगे सारे कुछ है। ये बॉर्डर टर्मिनल जो हम जहाँ से आए हैं वो उसका सारा मॉडल बनाया हुआ है। ये इस तरफ से हम एंटर करे थे, वो वहाँ पर फ्लैग था एंड फिर उसका दरबार साहब जो है उसके यहाँ पर सारा बनाया हुआ है। ये सरोवर जहाँ पर अभी माता देख के आए, सेंटर में बिल्कुल गुरुद्वारा है वो जो एंड इसका ये पूरा एक मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैसे आगे। सो दिस इज द टोटल जो प्लान है यहाँ पर गुरुद्वारे का, वो जैसे सरोवर, गुरुद्वारा, फिर उसके बाद देवन स्थान, फिर यहाँ पर खेती वगैरह भी होती है, कल्चर सेंटर, एडमिन बिल्डिंग और मतलब ओवरऑल जो भी गुरुद्वारे का सारा प्लान है वो यहाँ पर इन्होंने बता के रखा हुआ। इस लंगर हॉल की तरफ पे हम जा रहे हैं पहले यहाँ से। मेरे को पापा ने बताया कि गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने से पहले लंगर हॉल जाते हैं, बिकॉज गुरु जी ने बोला था कि जो भी कहीं से ट्रैवल करके आते हैं ऐसे, तो जो भी कहीं से ट्रैवल करके आता है तो उसको पहले आराम से अपने फ्रेश हो, खाना पीना, फिर उसके बाद आराम से आके माता जी को आराम से बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। सो अभी हम जा रहे हैं लंगर चखने, फिर उसके बाद जाएंगे माता जी को देखते हैं लंगर में क्या क्या। तो ये लंगर का किचन यहाँ पे इस तरफ पे भी प्रसाद तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई सेवा करना चाहे वॉलंटियरली तो कर सकता है। इधर जो है बर्तन मांजने का काम हो रहा है एंड इधर तो शकने का काम हो रहा है। कई एक चीज है, जो मर्जी गुरुद्वारे में आप चले जाओगे, जहाँ मर्जी लंगर पे गुरुद्वारे पे कहीं पे भी आपको कोई भी गिना से ढक के नहीं मिलेगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस की मतलब सभी रिस्पेक्ट करते हैं, इंडियन रिस्पेक्ट बनी भी रहनी चाहिए, दिल से अच्छा लगता है मेरे को। यहाँ पर आप देखो कि कोई भी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा जो सिर ढक के नहीं बैठा हुआ, सब ने सिर ढके हुए यहाँ पर। अब चलते गए इस गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकने। ये मेन गुरुद्वारा साहब और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो है चल रहा था, पाठ चल रहा था, मतलब भी ख़त्म हो गया, आज का भूख पड़ गया था, सो गई है मेन गुरुद्वारा। इतने गुरु नानक देव पातशाह जी ने फुलों का संस्कार होया सी ते बाहर दफनाया सी। आप मेरे को तो बताओ पहले, चलो बाहर चल के बताओ, पहले माथा टेक लो फिर। हाँ जी पापा अब बताओ कि क्या था। बेटा जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, हाँ जी, गुरुद्वारा करतारपुर साहब, हाँ जी, ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव पातशाह जी ने अपने जीवन के अखीरला टाइम जो है वो गुजारा था। अच्छा। जब गुरु नानक देव जी शरीर छोड़ गए तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ पड़े। अच्छा। हिंदुओं ने कहा कि हमारे गुरु हैं, मुसलमानों ने कहा हमारे पीर हैं। जब आपस में दोनों का झगड़ा हुआ कि हमने किस तरह से इनको दफनाना है या संस्कार करना है, वो उस बात को लेकर झगड़ा हुआ। जब वो झगड़ा हुआ तो किसी ने कहा कि आप फूल उठा, चादर उठा के तो देखो कि इसके नीचे क्या है। जब चादर उठाई गई नीचे देखा गया तो सिर्फ फूल थे, तो उसी उन्हीं फूलों को आधा मुसलमान तरीके के साथ यहाँ पे दफनाया गया और आधे फूलों का अंदर संस्कार किया गया जहाँ पे हम लोग पहले माथा देखते हैं। अच्छा, ठीक। इस चीज़ को सिर्फ ये दिखाया गया, गुरु नानक देव पातशाह जी ने यही दिखाया, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। कौन पले को मंदे, कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है, जो भी है उस परमात्मा का बनाया हुआ है और सब एक जैसे है। तो चलो ऊपर दरबार साहब चलते मसा देखते हैं। तो ये वो आपने बाहर देखा, वहाँ पर उनके फूल दफनाए गए थे और यहाँ पर उन फूलों का अंतिम संस्कार किया गया था।
छोटी सी बाउंड्री थी, इतना थोड़ी सा। आप इंडिया से? नहीं, ये निशान साहब जहाँ भी आप गुरुद्वारा देखेंगे ना, अगर आपको मान लीजिए कहीं चल रहे हैं और आपको पता नहीं है गुरुद्वारा कहाँ है, दूर से पहचान आपको इसकी हो जाएगी। जैसे मस्जिद का मीनार है, मस्जिद का मीनार एक अलग चीज हो गई, झंडा झंडा है कह सकते हैं। ये निशान साहब इसको बोलते हैं कि निशान, ये गुरुद्वारे का निशान है। हमारे यहाँ भी अलाम के निशान ही आम तौर पे बोलते हैं। मैं तो निशान ही, लफ्ज तो वही है अरबी के फारसी के, अरबी में निशान ही कहते हैं तो ये निशान ही कहते हैं निशान। चलिए तो ये था इस हमारा आज का गुरुद्वारे का व्हाट डू यू से एक्सपीरियंस। एंड आज अभी इतना गुरुद्वारे के एक्सपीरियंस के साथ में अब यहाँ पर जो मार्केट है उसको भी एक्सप्लोर कर रहे थे, एक बार देखते हैं कि मार्केट में मिलता क्या क्या भाई। लाइक वी आर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आए तो वहाँ पर मार्केट चेक कर रहे थे। तो थोड़ी सी हवा की यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, हवा बैंक में आ रही होगी तो माफ़ करना। गिफ्ट मिले पापा को थाने मेरे को पड़ रहे सारे, आगे चले गए साथ में आ रहा हूँ आराम से। एंड ये हम पहुँच गए मार्केट में भाई, अजीता जी मार्केट, अजीता जी मार्केट। तो भाई ये है मार्केट इधर, एंड शॉपिंग इनकी यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कपड़ा देखा जा रहा है, लाहौर की शॉल है। ये देखो जी ये लेके आए वो हमारे लिए कपड़ा, स्पेशल लाहौरी कपड़ा। तो जी ये है दुकान जहाँ से हमने अपनी पहली शॉपिंग करी है। ये लिए दो सूट, ये क्रीमिश कलर में लिए और दो सूट लिए हमने वाइट कलर में। ये कपड़ा कौन सा मम्मा, कपड़ा कौन सा है? हाँ जी पाकिस्तानी बोस की कपड़ा। अच्छा पाकिस्तानी बोस की कपड़ा, अच्छा जी जी मंगाई है भी आया जी। ये भी लाहौर से आती है गिफ्ट दे रहे हो? गिफ्ट, अरे गिफ्ट, थैंक यू जी, गिफ्ट है। अभी यहाँ पर आए थे सोहन हलवा एंड गिलगित ड्राई फ्रूटिंग की दुकान पे आए थे। एंड हाँ हाँ, एंड इन्होंने ये मिठाई दी है, पता नहीं क्या है, ट्राई करते हैं। इन्होंने मेरे को स्पेशल अलग से इतना सारा निकाल के दिया, स्पेशल बॉय। हेलो, स्वाद है यार वधिया। फिर से ट्राई, एक ट्राई और मुंह में क्लोज अप। नहीं यार बहुत ज्यादा हार्ड है, एक बार मुंह में क्रैक हो गया। फिर से मुंह में एक बार और। यस यस यस, करण करण करण, स्नूप सिंह स्नूप सिंह, इतने इतने बड़े बड़े। आ आ आ मेरे को भी खिलाओ। यम्मी यार, नीचे गिर गया। अच्छा। किसी ने नहीं देखा करण, उठा ले, किसी ने नहीं देखा, देखना मत कोई, अच्छा सब आंखें बंद कर लो। ये लिया गई अभी यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लेमोनेड, और अब ये बोतलें देखो भाई, क्या पतली पतली ऐसी बोतलें हैं। देखते देखते मिक्स पकौड़े कितने थोड़े थे, मिक्स पकौड़े कर दो एक प्लेट। हाँ जी चा और चा, ये बच्चे हम लीगली अडॉप्ट करके यहाँ से लेके जा रहे हैं। हम आए पांच से जाना चाहिए, हाँ, इमिग्रेशन वाले मना कर देंगे भाई, इमिग्रेशन वाले मना कर। नहीं भाई हम कुछ तो आए हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे, आपने बोला फ्लैग नहीं लेके जाना, हम फ्लैग नहीं लेके जा रहे, हम बच्चा लेके जा रहे हैं। नहीं आ रहे, सिर रखे ना, नहीं क्या करनी है, कैसी लगी
ठीक है देखो स्वाद है ना, मुझे तो ऐसी है। पहले तो बोतल इतनी पतली ऐसी लेने में चाहिए किसी को। च्युइंगम फ्लेवर का मोहितो है, बबल गम फ्लेवर, बबल गम यार टू। तो गाइस वैसे मैंने आपको बताया नहीं, ये मेरी एक्स बुआ है यहाँ पे पाकिस्तान के, एंड वेलकम टू द व्लॉग, आपको फीचर करा जा रहा है फर्स्ट टाइम व्लॉग में। उन्होंने कैश लाने को मना किया है, बंदा तो लेके बच्चा तो लेके जा सकते हैं। चलो गाइस स्कूली वाला काम मेरे को दोबारा से उठाना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो कि हम आपके हिस्से का ब्लॉग बनाएं? Yes, please. तो फिर उठा लो, हम देखेंगे कि कुली कैसे बना जाता है। ऐसे चलते रहेंगे, कंधे पे उठाओ, कंधे पे ज्यादा इजी रहेगा। कोई नहीं, एक कुली दूसरे कुली को सजेशन दे रहा है। मेरे को पता, लेकिन अभी थोड़ा सा इज्जत रख ले अपनी पाकिस्तान में आके, इंडिया में तो है नहीं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, इज्जत तो बहुत है, बस करता कोई नहीं। मम्मा जितनी इज्जत तो है, शर्म नहीं है, क्योंकि जब तक तो शर्म आती है वो बेच के मोमोज खा जाता हूँ मैं। चल वो तो खैर अलग मैटर है ना, उसके बारे में तो हम ना ही बात करें तो ठीक है। बिल्कुल, अब आप चलो चलो गाइस, गाड़ी में चल के मिलते हैं आपको, गाड़ी में नहीं सॉरी, अब वापस से ट्रेन में बैठ के बोलते जो बस में आए थे, शटल बोलते टर्मिनल पे जाएंगे फिर बनाऊंगी तेरी तेरा टर्मिनल यार, मैं ब्लॉग बंद कर दूंगी, मैं बनाऊंगी नहीं। क्या आप चाहते हो कि आपकी बीवी यहीं पर रह जाए पाकिस्तान में? चलो माका। और फिर आप वहाँ जाके सारा पाकिस्तान जाएगा। मेरा फोन दे दो, रह सकते हो आप यहाँ पे। चलो गाइस चलो, चलो भाई फाइनली अपना आज का ट्रिप जो है खत्म हो रहा है, एंड जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आके एंड कर रहे थे, गुरुद्वारा इन फ्रंट ऑफ अस, दिस इज अ गुरुद्वारा, एंड अब हम निकलते हैं आगे इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ। हां देखो बांद्रू जी है, अब हम फाइनली निकल गए एंड वी से गुड बाय टू दिस पाकिस्तान फ्लैग एज वेल। ये देखो इनका फोटो शूट चल रहा है फ्लैग के साथ में, भाई फ्लैग बहुत सुंदर लग रहा है भाई, देखो तो सही क्या सुंदर फहरा रहा है भाई, सुबह नहीं फहरा रहा था। और भाई कैमरामैन समान चुको, हाँ गरीब आदमी ने फड़ाता है सारा कुछ। चलो भाई ये हो गया मेरा खाने पीने का सारा खत्म हो गया, अब है टाइम वापस निकलने का। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग जो वो अच्छा लगा हो, आपको आज के जो दिन है ओवरऑल वो अच्छा लगा हो। मिलता है मेरे व्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, बताना जरूर कि आपका फेवरेट सबसे ज़्यादा पार्ट इस व्लॉग में क्या था। तो गाइस मिलता है अगले व्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, एंड तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।